यार आम तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिषेक ब्लॉग्स पे। तो आयुष भाई अपन आज कहाँ हैं? आज हम आए हैं मेघदूत की चौपाटी पर सुरसुर गान खाने के लिए। मैं अभिषेक भाई को बहुत दिन से बोला था, मैंने अभिषेक भाई चलो 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 यार, तो आज फाइनली हम लोग आ गए हैं। और आप लोग सब देखो इसकी मेकिंग वगैरह, और अभिषेक भाई बता दो आप। बिल्कुल, तो अपन भैया के पास चलते हैं, इसकी सारी मेकिंग वगैरह देख लेते हैं और आपको टेस्ट वगैरह करके बताते हैं कैसा क्या स्वाद है। तो गाइस अपन अपने लगवा रहे चुरचुर नान, तो भैया इसमें फिलिंग काय काय की करी और काय का बेस है? इसमें आलू की स्टफिंग है, हाँ, ऊपर से धनिया पुदीना है, तिल्ली कलौंजी लगा हुआ है। तिल्ली कलौंजी लगा हुआ है, मैदे की है, आटे चौटे गेहूँ का जो आटा आता है उसकी फिलिंग है। ठीक है भैया, तो तंदूर में जाएंगे ना भैया? हाँ। कितने समय में ये जो सिलिंग हो जाएंगे भैया? ये 3-4 मिनट में हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में हो जाएंगे। तो भाई जी अपना जो तंदूर गरम है इसके अंदर जा चुका है, भाई जी अपना एक और लग रहा है, अने जो एक थाली में दो ज्यादा लगते है ना? हाँ, एक थाली में दो। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं एक थाली में आपको जो है दो नान लगेंगे। ये चटनी काय की अंकल? ये चटनी है पुदीना धनिया। पुदीना और धनिया की है। ये रायता आ गया, ये छोले की सब्जी आ गई, और ये दाल मखनी। ये दाल मखनी आ गई। ये संडे को बनाते हैं, संडे स्पेशल दाल मखनी रहता है अंकल जी। ठीक है, अपनी शॉप का टाइमिंग क्या अंकल? 1 बजे से रात को 11 बजे। 1 बजे से 11 बजे तक रहता है। और ये थाली का क्या प्राइस है? 100 रुपीज की थाली, जिसमें अपने को दो नान मिलते हैं। दो नान मिलते हैं। ठीक है, तो ये भैया फाइनली अपना चुरचुरा निकाल दे, उसके अंदर 4-5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तभी निकल रहा है। तंदूरी रोटी बनती ना भाई वैसा का वैसा सेम बनता है, मगर इसके अंदर स्टफिंग रहती, तंदूरी रोटी के अंदर स्टफिंग रहती भाई। देखो इसका तो कलर देखो क्या बढ़िया। तो भैया क्या लगाया ये? बटर, अमूल बटर यूज़ करते हैं अपन। हाँ, डेरी का रहता बटर। कौन सा? डेरी वाला आता है ना, डेरी का। अच्छा डेरी, ये क्या चीज़ डालती भैया? ये दाने रोस्टेड। ठीक है, पनीर है और इसके ऊपर पनीर आ गया। ये चीज़ देखने के लिए मैं बेताब था कि कैसे चूर होती है ये, ऊपर से फिर मक्खन डाल दिया भाई गजब। तो गाइस अपने पास आ चुके हैं चूरचन नान, अपन इसको टेस्ट करके बताते हैं इसका कैसा क्या स्वाद है। तो ये बताओ ना यार, ये क्या चीज़ें दोनों? ये है भाई साहब दाल मखनी, हाँ, जो संडे स्पेशल बनती है, जो संडे स्पेशल भैया के पास बनती है। और ये अपने छोले, और ये रायता है, और ये प्याज का सलाद भैया ने साथ में दिया हुआ है। ठीक है, और भैया के पास जो मटर, जो बटर पनीर भी मिल जाता है, और संडे स्पेशल दाल मखनी मिलती है। तो अपन इसको ट्राई करके बताते हैं कैसा क्या स्वाद है। पहले सबसे पहले मैं छोले के साथ इसको ट्राई करके बताता हूँ। छोले जो बने हुए ना, छोले का जो स्वाद है अपना घर सारी का लग रहा है। ठीक है, भैया ने उसमें जो मसाले मिला हुए परफेक्ट स्वाद है। और ये जो इसके अंदर जो अपने नॉन के अंदर जो स्मोकी फ्लेवर आया है, जो उसके अंदर भैया ने उसका तंदूर हुआ, जो तंदूर हुआ उसका जो परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। आपने स्टफिंग करी हुई है, देखो आप आलू देख सकते हैं, और ऊपर से भैया ने उस पर पनीर ग्रिल करके डाला हुआ है। ठीक है, मैंने आपको छोले का जो रिव्यू दे दिया, अब मैं उसको दाल मखनी सेपरेटली ट्राई करके बताता हूँ कैसा क्या स्वाद है। नॉर्मल है दाल, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी दाल मखनी, मेरे को नॉर्मल लग रही है, जैसे अपन घर पे बनती है दाल, जैसे अपन मूंग वगैरह की जो दाल बनाते उस तरीके का मेरे को स्वाद लग रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है। इससे पहले मैंने ट्राई नहीं करी, तो मैं इसका आपको अच्छे से रिव्यू नहीं दे सकता जैसा मेरे को उसका स्वाद आ रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, रायता भी अपन ट्राई करके बता देते हैं आपको। रायता जो अपना हल्का खट्टेपन पे, और जो भैया ने उसमें जीरा पाउडर डाला उसका परफेक्ट स्वाद आ रहा है। ओवरऑल इसके रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से इसको मैं 4.5 अंक दूंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप जब भी अगर मेघदूत चौपाटी आ रहे हैं चुरचुर नान ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद था। ठीक है, बहुत अच्छा स्वाद था, एक बार ट्राई करना बनता है। ये अपने आयुष भाई है, आयुष भाई के चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाए इनकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। सपोर्ट दिखा दो, आप सपोर्ट दिखाओ, आप सपोर्ट नहीं बता रहे, इतना अच्छा अच्छा मैंने गाल जो है ना खा खा के जो इतने मोटे हुए चिपक जाएंगे सारे, सपोर्ट नहीं दिखाओगे? सपोर्ट दिखा दो आप, और काफ़ी यूनिक कंटेंट अब बाहर के आने वाले बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को एंड करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
मिलता है अमेजिंग चॉकलेट। टेक केयर, बाय बाय, वी आर आराम।